संकट तो बढ़ता ही जा रहा है देवराज इंद्र, पृथ्वी की उष्णता तो बढ़ती ही जा रही है, चंद्रदेव की शीतलता का अभाव अब अपना प्रत्यक्ष प्रभाव दर्शा रहा है और स्थिति और भी क्रमशः गंभीर होती जाएगी। देवगण स्मरण रहे, ब्रह्मदेव के दिए सुझाव अनुसार हम सब यहाँ प्रथम पूज्य गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु उपस्थित हुए हैं, इसलिए परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, हमें अपनी पूरी श्रद्धा के साथ प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा में ही लीन रहना होगा और किसी भी कारणवश अपनी एकाग्रता को कदापि भंग नहीं होने देना है। प्रतीत होता है पुत्र कार्तिकेय ने पुत्र गणेश को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है उसने, जिसे समझकर गणेश यहाँ आया। मुझे विश्वास था वो अवश्य अपने पिता से मार्गदर्शन लेने आएगा। पिताश्री, इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्र, इस बात का संतोष है कि तुमने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया। चंद्रमा ने तुम्हारा उपहास कर बहुत बड़ी भूल की, जिससे तुम्हारी मां को कष्ट पहुंचा, किंतु अनियंत्रित क्रोध से कभी किसी का दोष नहीं सुधरता, कभी किसी का भला नहीं होता। गणेश, पुत्र रुको, रुको पुत्र। गणेश इतना क्रोधपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा है? ये हो क्या गया है गणेश को? उमा, अभी इसे जाने दीजिए, अभी वो कुछ भी समझने की अवस्था में नहीं है। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है पिताश्री की, गणेश को ये हो क्या गया है? अभी कुछ समय पूर्व ही तो मुझसे कह रहा था कि चंद्रदेव को लौटाने के लिए वो पिताश्री से मार्गदर्शन लेगा, फिर अचानक ये क्रोधावेश का क्या कारण है? यदि मेरा पुत्र अपने क्रोध को अपने वश में नहीं कर पा रहा है तो अवश्य ही उसका कोई बड़ा कारण होगा, क्योंकि अकारण क्रोध तो गणेश के स्वभाव में ही नहीं। हाँ माँ, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं, गणेश के स्वभाव से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं, फिर उसके उसके क्रोध का क्या मूल हो सकता है? चंद्रदेव को मैंने इसलिए शाप नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मेरा उपहास किया, मैंने उन्हें इसलिए शाप दिया क्योंकि उनके कृत्य से मेरी माँ को अपार वेदना सहनी पड़ी, और इसलिए मुझे चंद्रदेव को शाप देने का कोई पछतावा नहीं है पिताश्री। पुत्र, मैं हूँ उसके क्रोध के मूल में, मैं उसकी माँ। नाथ, मैंने जब भी गणेश को किसी क्रोध अथवा आहत में देखा तब मैं स्वयं पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण रखने में असमर्थ हो गई। मैं अपने क्रोधावेश में सर्वथा विनाश करने के लिए प्रेरित रहती हूँ। ये स्नेह एक माँ का अपने पुत्र के प्रति, जब मैं गणेश को पीड़ा में देख अपने क्रोध पर नियंत्रण खो सकती हूँ तो गणेश तो मात्र एक बालक है।
हम उससे आत्मनियंत्रण की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं नाथ? ओ माँ, क्योंकि वो प्रथम पूज्य गणेश है। और मैं जगत जननी आदि शक्ति हूँ नाथ। नाथ, आप इस संपूर्ण घटनाक्रम को पुत्र गणेश की दृष्टि से देखने में संकोच क्यों कर रहे हैं नाथ? नाथ, आप ये क्यों नहीं समझना चाहते कि गणेश का क्रोध उसकी माँ के रक्षक के भाव का ही परिणाम है? आज जब गणेश अपना मत आपके समक्ष रखने आया, तो आपने कहा कि चंद्रदेव से जो कुछ भी हुआ, उसके परिणाम से वो अनभिज्ञ है। तो क्या ये कहना अनुचित है कि गणेश ने जो कुछ भी किया, उसके परिणाम से वो भी अनभिज्ञ थे? आपका झुकाव आपके एक पुत्र की ओर ही क्यों है? आपको गणेश को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। ये मत भूलिए नाथ, जब हमारे तथाकथित पुत्र चंद्रदेव ने मेरे हृदय को आहत किया, तब गणेश ने ही मेरा बचाव किया। आपको क्या ये स्पष्ट नहीं है नाथ? उमा, ब्रह्मांड को संतुलन में लाना मेरा कर्तव्य है, जो गणेश के कृत्य के कारण संकट में है। नहीं नाथ, सृष्टि का संतुलन संकट में अवश्य है, किंतु गणेश और चंद्रदेव दोनों के कृत्यों के कारण। नाथ, मेरी विनती है आपसे, जो उचित है वही कीजिए, उसी से गणेश का क्रोध भी शांत होगा। देवी रोहिणी, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव ने हमें चंद्रदेव और इस सृष्टि की रक्षा हेतु एक अंतिम उपाय के रूप में इस पूजा का सुझाव दिया है, किंतु ये सुझाव देते समय उनके मन में भी संशय था कि क्या किसी भी तरह प्रथम पूज्य गणेश जी का क्रोध शांत होगा? होगा, अवश्य होगा। क्यों नहीं होगा? क्या कारण है कि आप इसमें इतना संदेह व्यक्त कर रहे हैं सूर्यदेव? मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इस पूजा से गणेश का क्रोध शांत होगा। और महादेव, पुत्र कार्तिकेय और स्वयं मैं भी इस पूजा को सफल बनाने हेतु इसमें भाग लेंगे, और फिर हम सभी एकजुट होकर प्रथम पूज्य की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करेंगे। उमा का सुझाव कि जो उचित है वही मुझे करना चाहिए, वो मैंने स्वीकार किया, और उचित यह है कि हमें गणेश को उसका श्राप लौटाने के लिए विवश करने के स्थान पर उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अपनी दृष्टिकोण में उसने जो किया अपनी मां के लिए किया, और जो उचित है इस पूजा के लिए हम सभी को व्रत संकल्प धारण कर गणेश की पार्थिव श्री विग्रह की रचना करनी होगी, और इस पूजा का संपूर्ण विधि विधान मैं आपको बताऊंगी, और इस प्रकार हम सब एकजुट होकर पूर्ण भक्ति से गणेश की पूजा करेंगे। मैं चंद्रदेव की अर्धांगिनी रोहिणी, कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिवस इस व्रत का संकल्प लेती हूँ। मैं देवराज इंद्र प्रथम पूज्य गणेश जी का क्रोध शांत करने और सृष्टि की रक्षा करने हेतु समस्त देवताओं के साथ इस पूजा का संकल्प लेता हूं। ओम नमः शिवाय। ओम
पृथ्वी तो अब उष्मता की ऐसी पराकाष्ठा की ओर जा रही है कि ये मिट्टी भी अब तकने लगी है। सभी देवगण कितनी निष्ठा और समर्पण से इस पूजा के लिए प्रस्तुत है। मुझे विश्वास है हम सभी अपनी भक्ति से गणेश जी को प्रसन्न करने में अवश्य सफल होंगे। पिताश्री देखिए, गणेश का पार्थिव स्वरूप अर्थात उसकी मूर्ति की रचना हो गई है। अब तो मात्र उसके नेत्र ही गणने शेष हैं। मेरे पुत्र के नेत्र मैं स्वयं गढ़ूंगी। एक माँ जो अपने पुत्र के नेत्रों में अपने लिए अपार प्रेम देखती है, वो भला उन नेत्रों को कैसे भूल सकती। उसकी छवि तो एक माँ के हृदय में सदैव के लिए अंकित हो जाती। पार्वती, हमें आशीष दीजिए कि हम आपके पुत्र श्री विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा का शुभारंभ करें और इसके फलस्वरूप हम अपने मनोरथ में सफल हों। उचित है देवी रोहिणी, मैं सिंदूर से गणेश का तिलक करती हूँ। सिंदूर जो सर्वाधिक प्रिय है मेरे पुत्र गणेश को। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। देवी रोहिणी, अब ये लाल पुष्प गणेश को समर्पित कीजिए। उसी से गणेश की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। चंद्रदेव के शीतल प्रभाव के अभाव से यह कैलाश भी प्रभावित हो रहा है। समस्त वातावरण में ऐसी उष्णता का संचार हो रहा है कि यहाँ की हिम तक पिघल रही है। नंदिनी, ये क्या हो रहा है? जी, अब गणेश की कृपा से ही हमारी और समस्त संसार की सुरक्षा निहित है। ओम गणपतये नमः। ओम
गणेश ने तो अब तक हमारी पुकार सुनी ही नहीं। चंद्रदेव की शीतलता तो मेरी उष्मता को संतुलित करती है, किंतु अब उनकी शीतल किरणों के अभाव में मेरा ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। चंद्रदेव के अदृश्य होने से उत्पन्न संकट महासंकट में परिवर्तित हो, उसके पूर्व गणेश को चंद्रदेव के प्रति अपने क्रोध को शांत कर उन्हें किसी भी युक्ति से लौटाना ही होगा, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो हमें अभी भी दर्शन नहीं थी, तो क्या सूर्यदेव का संशय उचित था? कहीं गणेश जी का क्रोध हमारी इस पूजा से भी शांत ना हुआ तो? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संकट और विपरीत परिस्थिति में धैर्य से काम लेकर ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।